तो ये है अब्बू का ऑफिस, अब्बू यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं, अब्बू आज हमें कुछ खिलाएंगे नहीं, आप कोई कॉफी कोई चाय लाइट और जला लो वहां से भाई। नहीं नहीं सही है, वेलकम गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। जी हाँ, मेरी गुड मॉर्निंग काफ़ी लेट होती है, अभी आई थिंक 12 बज रहे हैं और अब जस्ट अभी अभी आई वोक अप और मम्मी ने मुझे नाश्ता ला के दिया है और मैं you know, चाय पी रही हूँ। तो जुम्मा आप लोगों को मुबारक हो, आज जुम्मा है और आज जुम्मे के दिन जो है वो बहुत एक अच्छी चीज़ होने वाली है। जी हाँ, आप लोग अगर जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा कि आज मेरा फ्रैक्चर जो है, जो लगा हुआ है प्लास्टर जो है, वो उतर जाएगा फाइनली और मैं प्रॉपरली वॉक कर सकूँगी। पिछले लाइक एक हफ्ते से मैं जो हूँ उस पर ही वॉक कर रही थी, लेकिन अब चूँकि उतरेगा तो इंशाल्लाह प्रॉपरली वॉक करेंगे। और बस आज का दिन ये है कि बस अभी नाश्ता हो रहा है, नाश्ता मेरा 12-1 बजे तक हो रहा है। आज सुबह आँख नहीं खुली, बहुत नींद आई हुई थी और बस ये है कि बस थोड़ा काम करेंगे और उसके बाद भैरिया टाउन हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे आज, और इंशाल्लाह जो है मेरा पाँव ठीक हो जाएगा। सो जी गाइस, नाश्ता हो गया है और अब आगे का काम करना है, देखते हैं कमरे में जाके। और मैं सोचती हूँ कि मैं आज क्या पहनूंगी, आज मैं सोच रही हूँ कि शलवार कमीज़ पहनूँ, देखूँगी। वैसे ही आपको पता है कि हमारा घर मैस हुआ हुआ है पूरा, इधर से उधर बिखरी हुई है सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं एज़ आई टोल्ड यू बिफोर इन माई लास्ट व्लॉग। और अब थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी और पैकिंग कर लें और उसके बाद फिर ड्रेस सिलेक्ट करते हैं कि क्या पहन के जाना है। और एक और मज़े की बात कि फाइनली आई हैव क्रॉस्ड 100+ वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। जी हाँ, मैं 100 से ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो फाइनली बना चुकी हूँ। आई थिंक दिस विल बी माई 105 और 105 के करीब तो हो गई हैं वीडियोज़ मेरी। सो गाइस, कमरे में मैं आ चुकी हूँ और देखते हैं। उस दिन मैंने कुछ बुक्स पैक की थी और आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ और थोड़ा काम कर लूँ। ओके गाइस, तो ये किताबें मैंने उस दिन जो हैं बॉक्स में रखी थी और अम्मी ने सारी बाहर निकाल दी दोबारा, कह रही ये कौन सा तरीका है रखने का। बेटा देखो, इस तरह तरीके से लगा के, इस तरह जैसे, तो मैंने कैसे लगाई नहीं थी, तुमने तो एक दूसरे के ऊपर ऐसी बस रख दी थी। अब यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई किताब ऐसे करके डाल दें। फाइनली ये बुक्स का कार्टन मेरा रेडी हो चुका है और अब इसमें ये जो टेप है ये मम्मी लगाएंगी और उसके ऊपर मैंने बुक्स लिखना है। बुक्स ये हमने तो पैक कर लिया। इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ ईयर टाइम बुक्स। और राइट गाइज, अब हम तैयार हो चुके हैं मैं और मम्मी, और बस हम भैरिया टाउन हॉस्पिटल की तरफ निकल रहे हैं और अब्बू वहाँ पर होंगे। आज मैं अब्बू का आपको ऑफिस भी दिखाऊंगी, अब्बू से भी मिलवाऊंगी और साथ में मेरा एक्सरे होगा और इंशाल्लाह फ्रैक्चर जो है वो उतर जाएगा। और मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं पहना हुआ, जस्ट एक ये देख लें आप, कुर्ता सा पहना हुआ है, दैट्स इट। थोड़ा सा मैंने कानों में डाल लिया है। अभी तक भी कोरोना जो है वो गया नहीं है, मास्क कभी भी लगाना पड़ता है, स्पेशली जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको मास्क जो है वो पहनना पड़ता है। और ये मेरा मास्क है, आपका मास्क किधर है? बैग में। हॉस्पिटल
हम जाएंगे इमरजेंसी में। नीचे पहले से किया ना बुक किसी ने, इसमें कैंसिल कर नहीं होता तो फिर हो जाता। मैं जब मेरी बनाई मैंने। सो अभी हम अब्बू के ऑफिस में बैठे हुए हैं। सो मैंने आपको कहा था कि मैं अपने अब्बू से आपको मिलवाऊंगी, तो अभी मैं मिलवाती हूँ आपको अपने अब्बू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये मेरे अब्बू हैं और ये आप देख सकते हैं उनका ऑफिस है। अब्बू जो हैं बहरिया में काम करते हैं, बहरिया हॉस्पिटल में एज अ सीनियर मैनेजमेंट HR। और आप की छुट्टी तो हो चुकी है अब हमारी वजह से बैठे हैं अब्बू। अभी कोई काम है? काम तो चलता रहता है, बैठे हैं तो काम ही करेंगे अब तो। लेकिन थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएगा, फिर वो चेकअप करेगा तुम लोगों को, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह।